हमें बहुत गर्व है कि भगवान ने हमें बेटियों की मां बनाया है, क्योंकि आज हम जो भी हैं, उसमें हमारी बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है। और शायद आप भूल रहे हैं कि बेटियां ही संसार को आगे बढ़ाती हैं, सृष्टि की रचना करती हैं। और अगर बेटियां नहीं होती तो बेटों का सुख शायद किसी को नहीं मिल पाता। अब इस उम्र में तुम सिखाओगी ये सब बातें? मौसी जी, बड़े होने और समझदार होने में बहुत फर्क होता है। आप हमारी बड़ी हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन माफ कीजिए, आपकी सोच से हम बिल्कुल सहमत नहीं। बड़े दुख की बात है कि एक औरत होते हुए भी आप बेटियों की कीमत को नहीं समझती। भगवान आप जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब आप जैसे लोग भी बेटियों की कीमत को समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इतने दिनों तक आप किस सुख, किस प्यार से वंचित रहे। हमारी बेटियां, हमारा धन, सम्मान और हमारे जीवन की ऊर्जा है, और जो सौभाग्य हमें बेटियों की मां बनने का मिला है, हम चाहते हैं कि वो सम्मान सभी को मिले। ईश्वर करे तुम दोनों को जीवन भर की सारी खुशियां नसीब हो बेटा। तुम दोनों जीवन भर इसी तरीके से मुस्कुराते रहो और दोनों इसी तरीके से जीवन में आगे भी बढ़ते रहो। मेरी सारी दुआएं तुम दोनों के साथ। थैंक यू। हम बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। मैं भी, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम भी तो रो रही हो, क्यों? पता नहीं रचना, बस अपने आप आंसू आते चले जा रहे। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी भाभी बनकर आ रही हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहने। ओह माय गॉड, तो हमें तुम्हें भाभी कहना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी मत कहना। एक्सक्यूज मी,
वहाँ मैंडी और बॉबी का रिकॉर्ड कीजिए ना, जाइए ना प्लीज। वहां क्या देख रहे भैया और चीजा जी? अरे आपने तो हमें बताया नहीं कि हम आपको क्या बुलाए, जीजा जी या फिर भैया? हाँ आओ बेटा चलो। चलिए जीजा जी, जेब खाली कीजिए। जेब खाली कीजिए, लेकिन क्यों? कमाल है, घर बिना जूते के जाना है क्या आपको? अच्छा चना की बच्ची, सीधा सीधा बोलोगे घूस चाहिए? नहीं मजदूरी। अरे हम सबका हक बनता है। जीजा जी सारे पैसे जितने भी सब निकाल दीजिए अच्छे से। सारे पैसे? हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। माइंड बेटा मैं एक काम करूँ, तुम हमारे जूते पहन लो, तुम्हारे जूते इनके पास रहने दो और हम निकलते हैं यहाँ। अरे हाँ बेस्ट आइडिया, बेस्ट आइडिया, मैं आपके जूते पहनता हूँ। नहीं 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 अरे लेकिन ये तो मेरा साइज ही नहीं है। अरे आपको जूता है, आप झूठ मत बोलिए, पैसे दीजिए आपको जूते मिले। लेकिन ये तो महंगे के जूते हैं ही नहीं। अरे बोलोगी बच्चे, क्या झूठ बोल रहे हो तुम, क्या उनके जूता है? बोलू कितना झूठ बोलोगे तुम, ये इन्हीं के जूते समझे? नहीं ये तो महंगे के जूते है ही नहीं। कोई होशियारी नहीं, पैसे दिए बिना तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जूते छुपाई की रस्म होती है, पूरी करनी ही पड़ेगी। पूरे 21,000? क्या? हाँ पूरे 21,000। 21,000? 21,000 में तो पूरी जूते की दुकान खरीद सकते हैं हम। नहीं, 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 नहीं। अरे गुंजन तुम मेरी बीवी, मुझे बचाओ ना तुम। नहीं नहीं मैं, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये एक्स्ट्रा मैं रखता हूँ। ऐसा नहीं होता, हमें पूरे पैसे चाहिए। देख रही हो संगीता, हमारा मयंक ना गुंजन के घर वालों पर पैसे अभी से लुटा रहा है। लगता है हमारा बच्चा ना दीवाना हो गया। अरे 350 रुपए की जूती थी, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे देता। शिव 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 शिव। चलो हो गया। मौसी मौसी हम आपसे शैल दीदी की तरफ से माफी मांगते हैं, अब भूल जाइए ना उन बातों को। ओहो सीमा, बहू को ससुराल ले जाने का समय आया है, तुम लोग यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो। चल रहे हैं अभी। मौसी जी चलिए चलिए आप, हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। अब क्या हुआ? इतनी बेइज्जती के बाद हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। जब तक शैल हमसे आकर खुद माफी नहीं मांगती, हम उस घर में एक कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे अपने घर वापस। ठीक है मौसी, अगर आपने ठान ही लिया तो हम आपको रोकेंगे नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, और मौसी क्यों जाएंगे यहाँ से? आप शैल दीदी से जाकर कहिए कि आकर इनसे माफी मांगे। अरे क्या कुछ नहीं बोल दिया उन्होंने, उम्र में बड़ी है, कम से कम कुछ तो लिहाज किया होता। अच्छा और भाभी के लिहाज का क्या, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? मौसी की जुबान पर तो कोई लगाम है ही नहीं, जो मुंह में आया पकती है। देखिए शैल क्यों माफी मांगेगी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उसने आज जो कुछ भी कहा है सच कहा है, कड़वा सच जो चुभना ही था। दरअसल बात यह है कि जो इंसान खामोश रहता है, चुप रहता है,
लोग उसे दबाते ही चले जाते। लेकिन ऐसा करते वक्त ये लोग ये भूल गए कि शैल अंधी या पहरी नहीं है। आप सबकी कारिस्तानी उससे छुपी हुई नहीं है। देखो सीमा, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन वो फूट जाता है। हमारा मानना है कि शैल ने आज जो कुछ भी कहा उसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं था। बस बहुत हो गया, अब हम यहां नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं, हमें रोकना भी मत दो। नहीं नहीं, हम आपको रोकेंगे नहीं मौसी, आइए हम आपको गेट तक छोड़कर आते, आइए। हाँ ताऊ जी, वहाँ पर दो तीन ऑटो भी खड़े हैं, जल्दी जाइए नहीं तो चले जाएंगे। अरे तो बता क्या रहे हो, जाकर रोको ना ऑटो को, जाओ जाओ जाओ। डोलू बदतमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। संगीता बच्चे को क्यों डांट रही हो? बच्चा तो वही करेगा ना जो अपने घर के बड़ों को करते हुए देखेगा। और इस घर के बड़े तो शिव 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 शिव। आप निश्चिंत होकर जाइए मासी, आपका जो सामान है, शादी की मिठाई और शगुन का जो भी सामान है ना, वो हम पहुंचवा दें, हम खुद ही मंगवा लेंगे अपना सामान। हाँ चलो प्रेमा। मौसी मौसी, और पहुंचते ही SMS कर देना, वो फ्री है। मौसी रुक जाइए मौसी, रुक जाइए, ऐसे मत जाइए मौसी, हम शैल दीदी की तरफ से माफी मांग लेते हैं, हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम क्या करें मौसी, हमारी खातिर रुक जाइए ना। मत रो सीमा, मत रो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर हमारी एक बात गांठ बांध दो, सास हो और हमेशा सास की तरह रहना, गलती से भी अपनी बहू की मां बनने की कोशिश मत कर। रत्ती भर भी इज्जत नहीं करेगी तुम्हारी, वैसे भी इस घर में तुम्हारी इज्जत है ही कहां। एक बात, सारी ममता सारा प्यार अपने बेटे पर न्योछावर करना था, याद है ना हमने कहा था, बेटा कंट्रोल में तो बहू भी कंट्रोल, इस बात को हमेशा याद रखना था, भूलना मत कभी। हाँ अच्छा, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। तो ऑलरेडी रो रहे, प्लीज मत रोइए पापा, आप जानते हैं ना मैं सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि लड़कियां शादी के बाद पराये हो जाती है एंड ऑल दैट। मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। ना ध्यान रखना, मैं गुडी गुडी गम ड्रम्स, मैं जानता हूँ कि जिस परिवार में तुम जा रही हो वहां सब अच्छे, तुम खुश रहोगे। एक और खुशी की बात है कि ये दामाद के रूप में एक बेटा पाया है। अंकल, मैं आपके विश्वास को भी नहीं टूटने दूंगा और कुंचन को हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा, उसके हर सुख दुख हमेशा उसके साथ रहूंगा। आई प्रॉमिस अंकल। चलिए विदाई का समय हो गया है, आओ बेटे।
हमारी सास सुपारी जितनी कड़क है, चबा मत जाए। I'm sure वो तुम्हारे प्यार से धीरे धीरे नरम हो जाएगी। अच्छी लड़की बन के रहना और बेटा कोई भी मुसीबत है बस अपनी शहर मौसी को जाओ, कस के गले लग जाओ। बाय सीटा, ऑल द बेस्ट। चाहिए ना, देखिए ना वो बस एक रस्म थी तो हमें जूते छिपानी पड़े। अपमान भी चाहिए ना डोलू भैया, प्लीज। नहीं, हमें आपसे बात नहीं करनी है, आपने हमें उल्लू बनाया है। देखो हम ना तुम्हें एक चॉकलेट देंगे। सच? हाँ सच। लेकिन हमें एक चॉकलेट नहीं, तीन तीन चॉकलेट चाहिए। हाँ बाबा, हम तुम्हें तीन चॉकलेट देंगे लेकिन स्माइल तो करो ना प्लीज। बड़ी वाली, बड़ी वाली। हाँ परफेक्ट। लगता है माइंग भी और गुंजन दीदी घोड़े पर बैठकर आ गए हैं। देखा हमने कहा था ना। अरे डोलू सुनो 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 सुनो। अरे अरे बिना इजाजत के आप घर में कैसे आ सकते हैं? और आप है कौन? मुगलिया सल्तनत के चश्मो चिराग शहंशाह हिंदुस्तान। क्या आप और शहंशाह, आप बता सकते हैं कि कहाँ के शहंशाह हैं आप? गुस्ताख हैं आप, आप शहंशाह के फरमान की बेइज्जती कर रही हैं। आपको हुक्म दिया जाता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में आप हाजिरी लगाएं। क्या हम और अकबर के दरबार में? मतलब हम कैसे, कहाँ है उनका दरबार? 18 जून से रात 8 बजे हर पीर से जुम्मे तक यानी हर सोमवार से शुक्रवार तक शहंशाह अकबर और मलिकाए हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई जलवा फरोज होंगे। लेकिन कहाँ? आपके टीवी दरबार में। और महारानी जोधाबाई ने गुंजन की शादी की मुबारकबाद भेजी, उनकी तरफ से आप ये तोहफा कबूल करें। अब तक की सबसे बड़ी और बेनजीर दास्तान मोहब्बत का आप इस्तकबाल करें। महारानी से हमारा शुक्रिया कहिएगा। जरूर। शाही फरमान है, हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप सभी दर्शकों को
कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। अपनी निगाहें गड़ाकर देखिए, अब कुछ ही पल में शुरू होने जा रही है एक अनोखी प्रेम कहानी, इसलिए हम तो चलिए टीवी देखें। इसलिए आप अपने टीवी को छोड़कर नहीं जाइएगा, समझे?